students, I hope you all are doing very well. Once again, welcome to Presidency Junior College and welcome to my first online class, YouTube video class. So, in our live class, I have already started our chapter, first chapter, and we discussed thoroughly our syllabus. So, I would like to start here chapter 1, which is a concept and aims of education. Our first chapter is concept and aims of education. Here we have to learn about the meaning and concept of education, aims of education, and the process of education, and there are various types of education. These all are we have to learn in our first chapter. So फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना होगा वो क्या होगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन का मीनिंग कंसेप्ट, और एजुकेशन का ओरिजिन, मतलब एजुकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया था, ये सारा हम लोगों को इस चैप्टर में मिलेगा, डिस्कस करना करेंगे हम लोग. तो हम लोग लाइव क्लास में जो जो ज्वाइन नहीं कर पाए हो तो ये यूट्यूब देख के आए हो, तुम लोगों को सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा. हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1 हम लोग का 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. तो अगर तुम लोग मिस कर रहे हो वो लाइव क्लास तो तुम लोग यूट्यूब वीडियो देख के समझ सकते हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, और लाइव क्लास में जरूर तुम लोग अटेंड रहना. लाइव क्लास में क्या होता है, हम लोग पर्सनल इंटरेक्शन एक होता है, हम लोग इंडिविजुअल केयर ले सकते हैं, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि तुम लोग लाइव क्लासेस में अटेंड रहो ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम लोग का हो. एक बार मैं जो लाइव क्लासेस में पढ़ाती हूँ सेम चीज़ मैं यूट्यूब वीडियो में तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, तो एक बार लाइव क्लासेस में समझ जाओगे, और एक यूट्यूब में जो जब वीडियो देखोगे तब तुम लोगों का रिविजन भी हो जाएगा. तो ये इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, और व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग, ये मीनिंग में भी आता है. तो एजुकेशन का मीनिंग में फर्स्ट तुम लोगों को जानना होगा ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ एजुकेशन, ओरिजिन ऑफ एजुकेशन, और इसको हम लोग इटिमोलॉजिकल मीनिंग भी बोला जाता है. तुम लोग का बुक में देखना इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है. तो एजुकेशन जो वर्ड है, ये एजुकेशन वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया है, इस एजुकेशन वर्ड का मतलब क्या है, ये सर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ये द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डिराइव from four Latin words. बस ये तुम लोग याद रखना, education जो word है वो four Latin words से आया है. इसका origin है, education जो word है इसका origin कहाँ से मिला, हम लोग को Latin language से आया है. तो education का जो चार वो है Latin words है, वो सारा क्या है. फर्स्ट वाला है ई एंड ड्यूको, नेक्स्ट है एडुसियर, नेक्स्ट एडुक्यर, लास्ट है एडुकेटम. ये तुम लोगों का लाइव क्लासेस में डिस्कस हो चुका है. तो एजुकेशन जो वर्ड है वो चार लैटिन वर्ड से आया है. चार लैटिन वर्ड क्या है, ई एंड डुको, एडुसियर, एडुकेयर एंड एडुकेटम. और ये सब वर्ड्स का, ये चारों वर्ड जो है, इन चारों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है. तो फर्स्ट ई का मतलब है आउट ऑफ, और डुको का मतलब है आई लीड, एडुसियर का मतलब है टू डेवलप, एडुकेयर का मतलब है टू नॉरिश, और एडुकेटम का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग
इसमें टू। तो बस इतना तुम लोगों को याद रखना है। तो एजुकेशन का मीनिंग अगर तुम लोगों के एग्जाम में आता है तो तुम लोग 2 मार्क्स 4 मार्क्स सब के लिए लिख पाओगे। तो अब मैं डिटेल्स में डिस्कस करती हूँ। एजुकेशन जो वर्ड है वो 4 लैटिन वर्ड से आया है। 4 लैटिन वर्ड क्या है? ई एंड ड्यूको। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉमास में लिखना, ये अलग अलग है। ई अलग है, ड्यूको अलग है। ई एंड ड्यूको, एडुसियर, एडुकेयर एंड एडुकेटम, ये 4 वर्ड से एजुकेशन आया है। मेनली ई एंड ड्यूको से आया है बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली ये 4 वर्ड है। तो यहाँ पे ई का मतलब है आउट ऑफ और ड्यूको का मतलब है आई लीड। एडुकेयर, एडुसेयर का मतलब है टू डेवलप और टू इम्प्रूव। एडुकेयर का मतलब है टू नॉरिश और टू रेज। और एडुकेटम का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। तो यहाँ पे बोला गया एजुकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल का क्या होता है, कोई नेटिव पोटेंशियलिटीज होता है। हम लोग का सबका क्या होता है, कुछ क्वालिटीज होता है, इनर टैलेंट्स होता है हम लोग का। तो एजुकेशन क्या करता है, ये सब जो टैलेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको बाहर लाते हैं और हम लोग उसको क्या करते हैं, लीड करते हैं। सपोज किसी का डांसिंग, डांस में कोई बहुत वो है, उसका अलग टैलेंट है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है। मतलब क्या होता है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग नेटिव टैलेंट्स होता है, क्वालिटीज होता है। तो एजुकेशन क्या करता है, वो जो इनर नेटिव टैलेंट्स है उसको बाहर लाते हैं और उसको डेवलप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एजुकेशन की वजह से ही हम लोगों का डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसीलिए बोला गया ई एंड ड्यूको का मतलब है आउट ऑफ और ड्यूको का मतलब है आई लीड। एडुसेयर का मतलब है टू डेवलप और टू इम्प्रूव। हम लोग का जो भी क्वालिटीज है उसको डेवलप करना और इम्प्रूव करना ही एजुकेशन है। नेक्स्ट है एजुकेयर। जैसे कि ये केयर वर्ड बोला गया, तो एक बच्चा, एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको नॉरिश करते हैं, संभाल के प्यार से केयर करके उसको बड़े करते हैं। सेम एजुकेशन भी क्या करता है, हम लोग का जो भी टैलेंट्स है, जो भी कैपेबिलिटीज है उसको नॉरिश करता है, उसको रेज करते हैं और हम लोग का डेवलपमेंट के लिए, हम लोग का इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन हम लोग को हेल्प करता है। ओके, लास्ट बोला गया एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। कोई भी जहाँ पे टीचिंग और ट्रेनिंग दिया जाता है वो सब भी एजुकेशन है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर्स में जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो सारा क्या है, एजुकेशन है। तो ये चारों मिला के तुम लोग बस समझ लेना एजुकेशन का मतलब क्या है, कि हम लोगों का जो भी टैलेंट्स है, कैपेबिलिटीज है, जो इनर टैलेंट्स है वो सबको एजुकेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, बाहर लाते हैं और उसको डेवलप करते हैं। बस ये 4 वर्ड और इन 4 वर्ड का मीनिंग तुम लोग को याद रखना है, ई एंड ड्यूको, एडुसियर, एडुकेयर एंड एडुकेटम। ये गया हम लोगों का ओरिजिन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का ओरिजिन कहाँ से आया है, 4 लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, ये अगर तुम लोगों को इटिमोलॉजिकल मीनिंग आता है और ओरिजिन ऑफ एजुकेशन आता है तब तुम लोगों को ये लिखना है। और कभी कभी तुम लोगों का सिर्फ 1 मार्क्स के लिए पूछता है कि व्हाट इज एजुकेशन, तब तुम लोगों को इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को ओरिजिन ना पूछे तो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ व्हाट एवर वी लर्न इज एजुकेशन। बस 1 मार्क के लिए इतना काफी है। मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसका एजुकेशन शुरू होता है। बर्थ से लेके पूरा डेथ तक हम लोग जो भी सीखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस गैदर करते हैं वो सारा क्या है, एजुकेशन है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ व्हाट एवर वी लर्न इज एजुकेशन। सपोज एक बच्चा जब जन्म लेता है वो फर्स्ट क्या करता है, रोता है, मतलब वो रोना सीखता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो धीरे धीरे अलग अलग उसका जो हम लोग का एक्टिविटीज है वो सारा सीखते हैं। सपोज बैठना हो, चलना हो, दौड़ना हो, अलग अलग ये सारा फिजिकल एक्टिविटीज वो कर पाता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, ये सब क्या है, एजुकेशन है। अगर व्हाट इज एजुकेशन या कंसेप्ट तुमको पूछे तो तुम लोग बोल सकते हो कि हम लोग जो भी सीखते हैं वो सारा एजुकेशन है।
नया नया आज सपोज तुम लोगों का ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो में तुम लोगों को दे रही हूँ, तुम लोगों को मेरे बारे में एक नॉलेज मिला कि प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज का ये एजुकेशन मैम है, मैम ऐसे पढ़ाती है, मतलब जो भी तुम लोगों का नॉलेज मिल गया है वो भी एक एजुकेशन है, उससे भी तुमको कुछ सीख मिला है। तो इसलिए एजुकेशन मतलब पूरा बर्थ से लेके हम लोग जितने साल तक जीते हैं और जो भी सीखते हैं वो क्या है, एजुकेशन है। ओके, एम आई क्लियर? एजुकेशन का ओरिजिन पूछे तो चार लैटिन वर्ड, और अगर वन मार्क्स के लिए पूछे व्हाट इज एजुकेशन तो तुम लोगों को बस इतना लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट एजुकेशन का ओके ओरिजिन हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट और एक मीनिंग हम लोगों को चाहिए होगा एजुकेशन का, मीनिंग में नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग में बस ये दो चीज तुमको सीखना है, फर्स्ट ओरिजिन जानना है, इसके बाद व्हाट इज एजुकेशन में बोल चुकी हूँ एक लाइन में, नेक्स्ट तुम लोगों को सिर्फ जानना है नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, बस मीनिंग में इतना ही है, नेक्स्ट हम लोगों का अलग टॉपिक आ जाएगा। तो अब नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग क्या है, तो आई होप तुम लोग जानते ही हो नैरो मतलब क्या है, नैरो मीन्स छोटा, नैरो का मतलब है छोटा, और वाइडर और ब्रॉडर मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं, ब्रॉडर और वाइडर मतलब बड़ा। तो नैरो मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन क्या है, नैरो मीनिंग के हिसाब से एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तब उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है, याद रखना नैरो मतलब छोटा, इसीलिए इसका जो कंसेप्ट है ये भी लिमिटेड है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सपोज प्री प्राइमरी हो या क्लास वन में जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं हम लोगों का एजुकेशन शुरू हो जाता है, और जब तक हम लोग पढ़ते हैं मतलब हम लोग का एकेडमिक लाइफ जब तक होता है, जब तक हम लोगों का फॉर्मल एजुकेशन चलता है तब तक हम लोग का एजुकेशन भी चलता रहता है, जब हम लोगों का फॉर्मल एजुकेशन खत्म तब हम लोग का एजुकेशन भी खत्म अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। बस इतना याद रखना है नैरो का कंसेप्ट छोटा है, इसका नैरो मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन शुरू होता है जब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, और जब तक उसका फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तब उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है वाइडर और ब्रॉडर, ये नैरो मीनिंग से पूरा ऑपोजिट है, यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशन का कोई स्टार्टिंग और एंड लिमिट नहीं है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले भी हम लोग डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि मैं मीनिंग में पहले भी बोली हूँ कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद ही हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो सब भी तो एजुकेशन है, तो इसके लिए स्कूल जाने का जरूरत नहीं है, स्कूल जाने से पहले भी हम लोग का एजुकेशन शुरू हो जाते हैं, हम लोग को पेरेंट्स कुछ सिखाते हैं, पेरेंट्स को देख के हम लोग कुछ सीखते हैं, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ब्रॉडर मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन हम लोग का शुरू हो जाता है जब हम लोगों का जन्म होता है, ठीक है, हम लोग के जन्म के साथ साथ हम लोग का एजुकेशन शुरू हो जाता है, और जब तक हम लोग जीते हैं तब तक हम लोग का एजुकेशन चलता रहता है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रॉडर और वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, एजुकेशन पूरा लाइफ चलता है, हम लोग का लाइफ जितना लंबा है एजुकेशन भी उतना ही लंबा है, तो दोनों पूरा ऑपोजिट है, याद रखना नैरो मीनिंग में ये लिमिट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और ये एंड हो जाता है जब हम लोगों का फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, और वाइडर मीनिंग के हिसाब से हम लोग जब हम लोग का जन्म होता है और जब हम लोग का डेथ होता है, सपोज यहाँ पे बर्थ लिख सकते हो, मतलब तुम लोग सिर्फ समझने के लिए ये लिखो मत, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, और यहाँ पे डेथ लिख सकते हो। इस बीच हम लोग को जो भी नॉलेज जो भी सीखते हैं वो सारा क्या है, एजुकेशन है, पूरा जन्म से लेके डेथ तक हम लोग जो भी सीखते हैं वो सारा एजुकेशन है, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं व्हेन वी एंटर स्कूल, और एंड कहाँ पे होता है, जहां पे हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होता है, व्हेन वी कंप्लीट आवर फॉर्मल एजुकेशन। तो
बस इतना अगर तुम लोग याद रख पाओगे तो नैरो मीनिंग और वाइडर मीनिंग में याद रखने का कुछ है नहीं, बस यही सब बनाते लिख सकते हो, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। नैरो के हिसाब से एजुकेशन का कंसेप्ट छोटा है, लिमिटेड है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कब है? जब व्हेन वी एंटर द स्कूल, जब हम लोग प्री प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी स्कूल होता है, जब हम लोग स्कूल में एंटर करते हैं हम लोग का एजुकेशन शुरू हो जाता है, ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब तक हम लोग एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, व्हेन वी कंप्लीट आवर फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। और वाइडर और ब्रॉडर सेंस ऑपोजिट है, इसका शुरुआत कब होता है? जब हम लोग का जन्म होता है। ओके, बर्थ के साथ साथ हम लोग का एजुकेशन शुरू हो जाता है और पूरा क्या होता है, डेथ तक हम लोग का एजुकेशन चलता रहता है। ये क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बस मीनिंग में तुम लोगों को इतना याद रखना है, बहुत ही इजी है। और मैं स्टार्टिंग में भी बोली थी एजुकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें तुमको रट्टा मारने का कुछ है नहीं, इतना क्रिटिकल कुछ समझने का है नहीं, सिर्फ तुम लोगों को डे टू डे लाइफ में जो नॉलेज मिलता है, जो भी सीखते हो, वही सारा एजुकेशन है। तो मैं आज फर्स्ट वीडियो है इसीलिए मैं ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि तुम लोगों का ये चैप्टर सॉरी ये सब्जेक्ट फर्स्ट मिला है, स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट तुम लोगों को नहीं मिला था। तो थोड़ा धीरे धीरे मैं बोल लेती हूँ, एक दिन में ज़्यादा पढ़ाने से शायद तुम लोगों का कन्फ्यूजन हो जाए। ओके, तो मैं थोड़ा रिमाइंड कर देती हूँ आज क्या क्या डिस्कस हुआ। फर्स्ट हम लोगों को मिला एजुकेशन का मीनिंग में ओरिजिन मिला, ओरिजिन मतलब एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है। तो उसमें हम लोग को मिला द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फोर लैटिन वर्ड्स। व्हाट आर द वर्ड्स? ई एंड डुको, एडुसेर, एडुकेयर एंड एडुकेटम। ओके, हियर ई एंड डुको, ई मींस आउट ऑफ, डुको मींस आई लीड, एडुसेर मींस टू इम्प्रूव और टू डेवलप, एडुकेयर मींस टू नॉरिश और टू रेज अप और टू ब्रिंग अप, एडुकेटम मींस द एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। So, ये सब मिला के हम लोग बोल सकते हैं एजुकेशन क्या है, हम लोग का जो भी टैलेंट्स है, जो भी इनहेरेंट हम लोग का क्वालिटीज है, उसको इम्प्रूव करना और हम लोग का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। अब ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब हम लोग को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, हम लोग सभी एस्पेक्ट से क्या होगा, हम लोग का डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन के वजह से ही हम लोग का डेवलपमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोगों को मिला नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग में हम लोगों को मिला कि जब एक बच्चा स्कूल में एंटर करता है तब उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है, और जब तक वो अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करता है तब उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। और ब्रॉडर और वाइडर सेंस जो है वो पूरा ऑपोजिट है। यहाँ पे मिला जब हम लोग का जन्म होता है तभी हम लोग का एजुकेशन शुरू हो जाता है, और हम लोग जितना साल जीते हैं तब भी हम लोग एजुकेशन वो रहता है, इसके बाद हम लोग का डेथ हो जाता है तो एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, जन्म से लेके जिसके आज भी मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, तुम लोग भी कुछ सीख रहे हो, मतलब दिन हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं जब तक हम लोगों का लाइफ एंड नहीं होता है। ओके, तो ब्रॉडर मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग खत्म हो जाएंगे तब हम लोग का एजुकेशन भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स है, फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कर सकते हो, और तुम लोग का लाइव क्लास तो है ही, उसमें हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लाइव क्लासेस में ये ऑलरेडी दो बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुम लोग काइंडली बिना हेजिटेशन से बोलो। ठीक है, हम लोग बार बार समझाने के लिए रेडी है, तुम लोग बस हम लोग को बोला करो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।